कैसे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्या है यार पे। इस वीडियो में केवल दर्शकों की जानकारी और ज्ञान के लिए इंडिया और नेपाल की आर्मी की तुलना की गई है। हमारा उद्देश्य किसी प्रकार युद्ध व अशांति को बढ़ावा देना नहीं है। किसी भी देश की ताकत कि वो कितना शक्तिशाली है उसकी सैन्य ताकत से आंकी जाती है। तो आइए आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि भारत और नेपाल की आर्मी में कौन ज्यादा पावरफुल है। भारत और नेपाल दोनों ही देश एशिया के अंतर्गत आते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली है तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है तो वहीं नेपाल का क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमीटर है। इंडिया की पॉपुलेशन 1.38 बिलियन है और विश्व के अंदर दूसरे स्थान पर। नेपाल की पॉपुलेशन 29.5 मिलियन है और विश्व के अंदर 47वें नंबर पर है। इंडिया की अवेलेबल मैन पावर 623 मिलियन है और विश्व के अंदर दूसरे स्थान पर है। वहीं नेपाल की अवेलेबल मैन पावर 15 मिलियन है और 42वें स्थान पर है। इंडिया में फिट फॉर सर्वे के अंदर 494 मिलियन लोग हैं और विश्व के अंदर दूसरे स्थान पर है। वहीं नेपाल में फिट फॉर सर्वे के अंदर 11 मिलियन लोग हैं और विश्व में 43वें नंबर पर है। इंडिया का डिफेंस बजट 61 बिलियन है और विश्व के अंदर चौथे नंबर पर है। वहीं नेपाल का डिफेंस बजट 213 मिलियन है और विश्व के अंदर 110वें नंबर पर। इंडिया की मिलिट्री रैंक चौथे नंबर पर है, वहीं नेपाल की मिलिट्री रैंक 122वें नंबर पर है। अब बात करते हैं आर्म फोर्स की। इंडिया की एक्टिव पर्सनल 14,44,000 है और सेकंड नंबर पर है। वहीं नेपाल की एक्टिव पर्सनल 95,000 और विश्व के अंदर 50वें स्थान पर है। इंडिया की रिजर्व पर्सनल 21,00,000 है और विश्व के अंदर तीसरे स्थान पर है। वहीं नेपाल की रिजर्व पर्सनल 0 है। इंडिया के पास कॉम्बैट टैंकों की संख्या 4,426 है और विश्व के अंदर चौथे नंबर पर है। वहीं नेपाल के पास एक भी कॉम्बैट टैंक नहीं है। इंडिया के पास आर्मोर्ड व्हीकल्स की संख्या 8,686 है और विश्व के अंदर 12वें स्थान पर है। वहीं नेपाल के पास 214 आर्मोर्ड व्हीकल्स हैं और विश्व के अंदर 109वें स्थान पर है। इंडिया के पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की संख्या 235 है और रैंक के अंदर 23वें स्थान पर है। तो वहीं नेपाल के पास इसकी संख्या 0 है। इंडिया के पास फील्ड आर्टिलरी की संख्या 4,060 है और रैंक के अंदर सेकंड नंबर पर है। वहीं नेपाल के अंदर इसकी संख्या 84 है और रैंक के अंदर 79 नंबर पर है। इंडिया के पास 266 रॉकेट प्रोजेक्टर हैं और 13वें नंबर पर है, तो नेपाल के पास एक भी रॉकेट प्रोजेक्टर नहीं है। अब करते हैं एयरफोर्स की कंपैरिजन। इंडिया के पास टोटल एयरक्राफ्ट की संख्या 2,123 है और चौथे नंबर पर है। वहीं नेपाल के अंदर 16 एयरक्राफ्ट है और 122वें नंबर पर है, जिसमें से इंडिया के पास 172 अटैक एयरक्राफ्ट है और चौथे नंबर पर है, तो नेपाल के पास एक भी अटैक एयरक्राफ्ट नहीं है। इंडिया के पास कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की संख्या 538 है और रैंक के अंदर चौथे स्थान पर है, तो नेपाल के पास एक भी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है। इंडिया के पास ट्रेनर एयरक्राफ्ट की संख्या 359 है और छठे नंबर पर है, तो नेपाल के पास एक भी ट्रेनर एयरक्राफ्ट नहीं है। इंडिया के पास टोटल हेलीकॉप्टर्स की संख्या 722 है और पांचवें नंबर पर है, तो वहीं नेपाल के पास केवल 13 हेलीकॉप्टर्स हैं और 122वें स्थान पर है। इसमें से भारत के पास 23 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं और 28वें नंबर पर है, तो नेपाल के पास एक भी अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है। इंडिया के पास 250 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और तीसरे नंबर पर है, तो नेपाल के पास 3 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और 101 नंबर पर है। इंडिया के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और 11वें नंबर पर है, तो नेपाल के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इंडिया के पास डिस्ट्रॉयर की संख्या 10 है और 7वें नंबर पर है, तो नेपाल के पास एक भी डिस्ट्रॉयर नहीं है। इंडिया 13 फ्रिगेट्स के साथ 7वें नंबर पर है, तो नेपाल के पास एक भी फ्रिगेट्स नहीं है। इंडिया के पास लड़ाकू कॉर्वेट की संख्या 19 है और चौथे नंबर पर है, तो नेपाल के पास एक भी लड़ाकू कॉर्वेट नहीं है। इंडिया 16 पनडुब्बियों के साथ 8वें नंबर पर है, तो नेपाल के पास एक भी पनडुब्बी नहीं है। इंडिया 139 कोस्टल पेट्रोल यानी तटीय गश्ती के साथ 8वें नंबर पर है, तो नेपाल के पास एक भी कोस्टल पेट्रोल नहीं है। इंडिया के पास 3 माइन वारफेयर है और 43वें नंबर पर है, तो नेपाल के पास एक भी माइन वारफेयर नहीं है। इंडिया के पास 1719 मार्जेंट मरीन है और 11वें नंबर पर है, तो नेपाल के पास एक भी मार्जेंट मरीन नहीं है। तो दोस्तों, इस कंपैरिजन में इंडिया नेपाल से काफी आगे है, लेकिन नेपाल भारत देश से एरिया में और पॉपुलेशन में काफी छोटा है, तो इस हिसाब से नेपाल की पोजीशन काफी अच्छी है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले।